गंगा में प्रतिमा विसर्जन पर रोक के बाद लोगों में उपजा आक्रोश। एसडीएम से हुई वार्ता में सुझाए गए कई विकल्प, रजामंदी के बाद अब किया जाएगा विसर्जन। गंगा में प्रतिमा विसर्जन पर रोक के पश्चात लोगों को उचित विकल्प नहीं मिल पा रहा था। लोगों का कहना था कि उन्हें प्रतिमा विसर्जन के लिए उचित विकल्प दिया जाए ताकि वह गंगा को प्रदूषित होने से बचाने में सहयोग कर सके। उनका कहना था कि अगर गंगा में प्रतिमाओं का विसर्जन नहीं किया जाएगा तो उन्हें कुछ ऐसा विकल्प मिलना चाहिए जहां वो प्रतिमाओं का विसर्जन आराम से कर सकें। ऐसे में प्रशासन ने उन्हें सिगरहिया तालाब का विकल्प तो दिया था, लेकिन कई लोग उस पर सहमत नहीं थे। बाद में एसडीएम के साथ विभिन्न पूजा समिति के लोगों की एक बैठक हुई। बैठक में यह फैसला लिया गया कि अलग अलग स्थानों पर प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। जिन स्थानों का चयन किया गया है उसमें गौरी शंकर मंदिर स्थित तालाब के अतिरिक्त विश्राम सरोवर तथा नया बाजार में बने पोखर शामिल है। बताया जा रहा है कि प्रशासन के साथ हुई बैठक के बाद पूजा समितियों ने सहर्ष यह स्वीकार किया है कि वे अब गंगा में प्रतिमाओं का विसर्जन न करके विभिन्न स्थानों पर बने पोखरों तथा तालाबों में करेंगे। बैठक में एसडीएम कृष्ण कुमार उपाध्याय, एसडीपीओ सतीश कुमार, रेड क्रॉस के सचिव डॉक्टर श्रवण कुमार तिवारी, नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद बवन सिंह समेत विभिन्न पूजा समितियों के सदस्य तथा प्रतिनिधि मौजूद थे। नहीं, हम लोग ये लेकर के आए हुए हैं कि माँ दुर्गा का 9 दिन हम लोग पूजा करके और विसर्जन कहाँ पे करें, क्योंकि हम लोगों के ऊपर फाउंडेशन लगाया गया है पूरे दुर्गा पूजा कमेटी की तरफ से। और मैं बक्सर का एक नागरिक होने के नाते ये प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि जो माँ गंगा में विसर्जित करने के लिए मूर्ति बैंड किया गया है तो आखिर विसर्जन करने की व्यवस्था कहाँ है। 9 दिन हम लोग पूजा करते हैं माँ का आस्था से और ले जा करके कहते हैं लोग कि वो पोखरा एक छोटा सा कहीं है उसमें विसर्जित कर दीजिए आप, तो ये तो एकदम आस्था के साथ खिलवाड़ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धीरेंद्र पाठक।